हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, तो जैसा कि नीट पीजी की काउंसलिंग के बारे में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन आपको मिल भी चुकी होगी, हेल्थ मिनिस्टर जी ने ट्वीट किया था कि भाई नीट पीजी की काउंसलिंग अब 12 जनवरी से स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो आप लोगों के माइंड में ये आ सकता है कि सर नीट यूजी की काउंसलिंग को वो डिले तो नहीं कर देंगे, कहीं पीजी की काउंसलिंग की प्रोसेस को पहले कंप्लीट करेंगे फिर नीट यूजी की काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं है, आपकी काउंसलिंग देखो, अच्छा काउंसलिंग की डेट डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। बीवाइज क्लासेज की मोबाइल ऐप पर एक फ्री काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम है, जिसके अंदर जैसे आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी, काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या होगा, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड क्या होता है, अपग्रेडेशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो सब उसमें दिया गया है। और एक सेकेंड पॉइंट मुझे ये पूछना है, क्या आप सबको आपकी कॉलेज प्रेफरेंस की लिस्ट चाहिए क्या कि सर ये 261, 288 या 290 कॉलेज है, हमें एक लिस्ट दे दो जिनकी ये रैंक है, और हमें ताकि आइडिया लग जाए कि ये कॉलेज मुझे मिल जाएगा। तो ऐसा आपको रिक्वायरमेंट है तो हम एक वीडियो इस पर भी बना लेंगे। अब बात करते हैं काउंसलिंग डेट के बारे में। काउंसलिंग डेट का क्या है भाई, देखो पीजी की काउंसलिंग की वजह से ऐसा नहीं होगा कि पहले आप ये सोच रहे होगी एमसीसीए एक कॉमन बॉडी है, पहले पीजी की काउंसलिंग कंप्लीट होगी देन यूजी का स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है। आपकी काउंसलिंग देखो, पीजी का नोटिफिकेशन 12 जनवरी तक उनको देना पड़ेगा, तो ये हो सकता है 2-3 डेज, जैसे हमने पहले बोला था कि 13 जनवरी से पहले आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होनी चाहिए। तो अब ये हो सकता है मे बी ये ऐसा ना हो, क्योंकि एमसीसी चाहेगा कि एक बार इनका नोटिफिकेशन पब्लिश कर देते हैं और इसका सेटअप वगैरह सब कुछ स्टार्ट कर देते हैं। हो सकता है फिर 13, 14, 15, 16 को तो छुट्टी है, जैसे हमने पहले भी बताया सैटरडे संडे और इसमें मकर संक्रांति है, तो आप भी इंजॉय करिए लोहड़ी को, और उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस जैसे एमसीसी स्टार्ट करेगा आप भी स्टार्ट कर देंगे। तो ये चांसेस है कि अब 17 जनवरी या 20 जनवरी के बीच में आपके काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आए, इससे पहले आई थिंक कम ही चांसेस है, क्योंकि एमसीसी थोड़ा चाहेगा कि पीजी का जो चीज़ें हैं वो सारी सेटअप हो जाए और फिर यूजी की तरफ जाए। तो आप ये मत सोच लेना कि अब तो हमारी फाइव वाइव तक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और आप अपना होमवर्क करते रहिए, कौन सा कॉलेज आपको चूज करना है, आपकी रैंक क्या है, आप स्टेट कोटा में जाए या फिर कहाँ जाए। और जिन बच्चों को एएफएमसी की काउंसलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उसकी एक डिटेल वीडियो हम ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब 1.5-2 महीना काउंसलिंग चलेंगी, और जैसे नोटिफिकेशन आया या फिर कोई अपडेट आई तो हम इस टाइप की वीडियोज अपलोड करते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए ताकि, है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।